कि वीडियो जो है वो हाईएस्ट हो जाने की वजह से वो बीच में ही फाल्ट हो गया। इस वजह से मैं इसे पार्ट टू में आपको दे रहा हूँ। इससे पिछले वाला वीडियो जो है आपने क्वेश्चन उसमें 15 शॉर्ट किए थे और कुछ उसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस क्वेश्चन से मैं जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो आप पुनः देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चंस आया था वो था आर के मेथड से रिलेटेड, तो आपका आर के मेथड का था ये वाला, ठीक है, समझेंगे। यूजिंग आर के मेथड, आपको आर के मेथड यूज करना था ऑफ फोर्थ ऑर्डर फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। आपको वाई की वैल्यू प्राप्त करनी थी एट 1.4 के लिए, ठीक है। वेयर इट इज गिवन डैट डी वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई एंड वाई टू एट एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बता चुका था काफ़ी, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फाल्ट हो गया, वीडियो की लेंथ ही इतनी बढ़ गई कि हो गया फाल्ट। तो यहाँ से देखिएगा एक्स वन, अब मैंने बात यहाँ चल रही थी कि इसको अपनी सुविधा अनुसार आपको पार्ट में डिवाइड करना है, एच का मान सुविधा अनुसार लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया। अब यहाँ से आपको समझना ये है, तो यहाँ पर समझेंगे आप अच्छे से। देखिए एक्स, अब यहाँ पर दिया 1.4 और आपको वैल्यू दी गई है ए, और आप जानते हैं एक्स वन बराबर जानते हैं एक्स जीरो प्लस एच, यानी कि यदि आप एच का मान 0.4 ले लेंगे तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके चार रहते हैं अप्रोक्सीमेट मतलब ऑर्डर के वन के टू के थ्री और के फोर। अब चारों का औसत निकालें तो पांच, इस प्रकार से पांच स्टेप हो गए और आपका आया है जी लॉन्ग आंसर टाइप। तो पांच स्टेप में तो अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। यदि हम दो स्टेप और बढ़ा देते हैं यानी कि 0.2h का मान माने तो यानी 10 स्टेप हो जाएंगे, और 10 स्टेप पर्याप्त है आपके लिए, है ना। यदि आप ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो 15-20 हो जाएंगे, फिर ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, समय भी ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से है। तो h का मान 0.2 ही सुइटेबल है इस न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसको जस्ट तुरंत आपको कह देना है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आपको ये जो वैल्यू दी जाती है वो इनिशियली वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज डैट एच जो है 0.2, देन एक्स वन एक्स जीरो आपने निकाला है तो 1.2 आ गया, ठीक है। नाउ अप्लाई करेंगे आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का फर्स्ट आप जानते हैं इंक्रीमेंट क्या होता है, के वन, और फॉर्मूला होता है एच एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है। तो एक्स जीरो मीन्स 1 है आपका यहाँ कहीं 1, और वाई जीरो मीन्स 2। जब ये वैल्यू आप इस यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको एफ ऑफ 1.2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया के वन बराबर 0.4। इसी प्रकार से के टू निकाला, के टू के लिए फॉर्मूला होता है एक्स एच तो रहता है गुणा में सब में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच वाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस के वन वाई टू, ये आ गया। तो 0.2 बराबर इतना मान रख दिया, और यहाँ पर एक्स जीरो की वैल्यू एच वाई टू सबकी वैल्यू रखी तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से के टू बराबर आपका सिंपली आ जाएगा 0.484, ठीक है जी। आपका सेकंड इंक्रीमेंट आ गया के टू। अब आगे देखेंगे यहाँ से ना, आप क्या करेंगे थर्ड इंक्रीमेंट निकालेंगे। आपका थर्ड इंक्रीमेंट के थ्री, के थ्री का फॉर्मूला जस्ट वैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किया तो के थ्री आपका ये आ गया। फर्दर आगे हमने के फोर, और के फोर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहीं भी एच वाई टू या के थ्री वाई टू नहीं आता है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है कि कभी कभी कि एच वाई टू यहाँ पर जल्दी जल्दी में रख जाता है, जैसा हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी रख जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स जीरो प्लस का एच 1.2 कॉमा ये सब वैल्यू रखनी है, ठीक। तो हमारा आ जाएगा फोर्थ इंक्रीमेंट इस प्रकार से। फिर आपका फॉर्मूला होता है डेल वाई निकाला जाता है, डेल वाई मीन्स होता है डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप 1/6, और इसको ध्यान आप आसानी से रख सकते हैं, पहले लिखना है मैंने क्या बताया था फर्स्ट प्लस अंतिम, तो फर्स्ट प्लस अंतिम कर देंगे, ठीक है। और फिर आपका जानते हैं बच यहाँ पर 6 है, तो यानी दो दो में बांट दो, और 2k2 प्लस का 2k3 इनको हमने ऐड कर दिया। जब ऐड कर देंगे सबकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं रख देंगे, तो आपकी डेल वाई बराबर वैल्यू ये आ चुकी है एक्स वन बराबर इस पर, ठीक है 1.2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर 1.2 जो सपेक्स में लिखा जाता है, जी एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है। वाई 1.2 पर आपकी वैल्यू फॉर्मूला होता है वाई जीरो प्लस का डेल वाई, ठीक है। तो वाई जीरो आपकी वैल्यू थी 2, और डेल वाई आप ये आपने फाइंड की है ये है।
यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपकी वाई एट 1.2 पर आपको प्राप्त हो गई इतनी, जबकि आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वाई एट 1.4 पर, यानी ये इतनी प्रोसेस एक बार और करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसी प्रोसेस अभी इसमें की है वैसी यहाँ पर करेंगे। नाउ टू डिटरमाइन वाई 1.4 वी हैव, अब इसको निकालना है तो आपको एक्स वन पता है कि 1.2 है और वाई एट 1/2, और यही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, वाई वन भी कहलाएगी। ठीक है, 2.0 जी आपने फाइंड कर ली है। अतः के वन आपको देखेंगे, के वन बराबर एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, ये होता है वहाँ पर क्या था, फर्स्ट इंक्रीमेंट जो आपका फर्स्ट में लगाया था, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, जहाँ पर एक्स जीरो वाई जीरो था, अब चूंकि ये सेकंड लग रहा है तो आप किसके लिए बनेगा जी, एक्स वन वाई वन के लिए। तो यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी के वन की वैल्यू जी प्राप्त हो जाएगी, वही फॉर्मूला यहाँ पर, जहाँ पर वहाँ पर एक्स जीरो आ रहा था, यहाँ पर एक्स वन वाई वन आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखा तो जी आ गई। इसी प्रकार से के थ्री वैल्यू, के थ्री के लिए अप्लाई किया तो आपका आ गया के थ्री बराबर इतना। और फिर मैंने बताया कि नोट में हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ एच बाई टू या के थ्री बाई टू नहीं आना है। ठीक है, के फोर रखा, इसमें वैल्यू सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो आपका के फोर भी फाइंड हो गया। जब के फोर यहाँ पर फाइंड हो गया तो यहाँ से आपका देखते हैं फिर आगे, यहाँ पर देखिए डेल वाई बराबर 1/6 ये आप लगा देंगे, सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डेल वाई की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी किस पर, 1.4 पर। तो 10 इस प्रकार कह देंगे वाई 1.4 क्या हो जाएगी, वाई वन प्लस का डेल वाई बराबर, वाई वन वैल्यू ये थी आपकी और डेल वाई अभी आपने ये प्राप्त की, यहाँ पर रख दिया तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा है जी क्वेश्चंस, अपनी सुविधा अनुसार आप जितना आप लगा सकते हैं, जितनी एच का मान आपको मानना हो, लेकिन माने ऐसा कि आपको सुविधा रहे। ठीक है, अभी मैं आर की मेथड अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, तो आप वहाँ पर वो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है समझेंगे, यहाँ से देखते हैं। डिस्क्राइब द वाई सेक्शन मेथड, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब जो वाई सेक्शन मेथड है उस पर वर्णन करना है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रियल रूट्स ऑफ एलजेब्रिक इक्वेशन, यानी किसी एलजेब्रिक इक्वेशंस के रियल रूट्स प्राप्त करने का जो वाई सेक्शन मेथड है उसको, उसके बारे में वर्णन कीजिए यूजिंग द मेथड फाइंड द रियल रूट्स। फिर आपको क्या करना है, उस इस मेथड का यूज करके आपको रियल रूट्स प्राप्त करना है करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी 0.4 अंक तक का रूट निकालना है इस इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो वाई सेक्शन मेथड के पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। देखिए वाई सेक्शन मेथड इज ए सिंपलेस्ट इटरेटिव मेथड, इसको साधारणता कहें तो वाई सेक्शन मेथड जो है इटरेटिव मेथड ही है जो बेस्ड है रोले थ्योरम पर। ठीक है, क्योंकि रोले थ्योरम जो है किसी बाउंड्री पर होती है, बाउंडेड इंटरवल के लिए, वैसे ये होता है एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है इस इंटरवल के लिए, एंड एफ ऑफ ए हैविंग ए अपोजिट साइन, बस इम्पोर्टेंट आपका ये है ना। तो आपको एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, इस प्रकार से होना चाहिए। और जब जानते हैं कि एक नेगेटिव इनमें से, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आया तो वो 0 से कम ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका देन तब फर्स्ट आपका केस होता है लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 0 आप कह देंगे इस क्वेश्चन से फर्स्ट। ठीक है, जब फाइंड, फिर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में करेंगे, ए और बी के मान निकालेंगे। जब ए और बी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि आपका एफ ऑफ ए जे है और आप, यानी कि जे निगेटिव है जे पॉजिटिव है, देन तब जी आप जानते ही हैं। ठीक है, जब जी हो जाएगा इतना तो यहाँ से आगे देखेंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन स्टेप 2 आप देखेंगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स निकालने के लिए एक्स वन बराबर जो आप ए और बी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो ए प्लस बी बटे 2 दोनों का योग करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन, जब एक्स वन निकाल लेंगे तो वो एक्स वन की वैल्यू आप रखेंगे जो फंक्शन दिया गया है, फिर उसमें आप एग्जमाइन करेंगे इट्स साइन, यानी कि जो आपका चिन्ह कौन सा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत केस फर्स्ट ये है, इफ यदि आपका निगेटिव आता है एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निगेटिव आती है, देन रूट्स लाई बिटवीन एक्स वन
बी, यानी कि यदि निगेटिव है तब उसकी एक्स वन बी। अभी मैं इसका ग्राफिकल आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देन तब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्स टू बराबर एक्स वन प्लस का बी बटे में दो लगाएंगे, ठीक है। आपको पता चल गया यहाँ पे यदि फंक्शन जो है हमारा निगेटिव आ रहा है तब आप जो अप्रोक्सीमेशन लगेगा आपका एक्स वन और वी इंटरवल के साथ कैसे, देखिएगा इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं पहले, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ बता देते हैं, देखिएगा फंक्शन जो है रियल वैल्यू ढूंढना चाहिए लेकिन वो वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से आपको मैं इस प्रकार से ये फंक्शन है जो निगेटिव भी निकल रहा है पॉजिटिव में कोई कोई इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए है ये और बी है, तो देख रहे हैं इस पर निगेटिव है जो हमने माना है माना था शुरू में, जी आपका ए पर निगेटिव वैल्यू आ रही है, ये बी है आपका, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड समझेंगे, सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन कोई आपका बिंदु है यहाँ पर है, ठीक है, वो क्या आ रही निगेटिव वैल्यू आ रही, क्या आ रही है निगेटिव, जब निगेटिव है तो वो यहीं कहीं आएगी, तो निगेटिव यानी जी आपकी एक्स वन आ गई फंक्शन पर वैल्यू क्या आ रही है निगेटिव आ रही है। तो जाहिर सी बात है फिर आपका अप्रोक्सीमेशन किस में रहेगा एक्स वन और बी में रहेगा, है ना। फिर आपका ये तो छोड़ देंगे हम किस में रखेंगे, अब मैंने क्या बताया अपोजिट साइन लेकर चलना है, अपोजिट साइन। अब यदि हम इन्हें को ले लेंगे तो निगेटिव ये निगेटिव ये, तो फिर तो ये बाइसेक्शन रूल काम ही नहीं करेगा ना, क्या करेंगे अब इनको इनको ले लेंगे यानी एक्स वन बी के लिए, तो आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल आएगा। तो यहाँ पर वही हमने यहाँ पर लिखा एक्स टू बराबर एक्स वन बी बटे दो, जब यहाँ पर आप एक्स टू निकाल लेंगे फिर चेक करेंगे हम एक्स टू के लिए, लेकिन अब यदि ग्रेटर देन आता है, यदि ग्रेटर देन आता है एक्स वन के लिए तब आपका यहाँ कहीं आएगा, तब आप लेंगे ए वन एक्स वन और ए के बीच में, तो ये है। यही प्रोसेस हम बारी बारी से सभी तरह करते जाएंगे और जब इक्वल आ जाएंगे रूट्स तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं न्यूमेरिकल दिया गया था, हमें इक्वेशन जे दी गई थी, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स के रूप में मान लिया, इसे यूज करेंगे बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए और बी के लिए, तो हमने जीरो रखा तो निगेटिव आया और वन रखा तो पॉजिटिव आया, तो पॉइंट अभी हमने कुछ और देखा इसके नज़दीक गए, जब 0.6 रखा तो भी निगेटिव, तो यानी कि हम इनको छोड़ देंगे, किसको अप्लाई कर देंगे 0.6, और आगे रखा तो 0.7, 0.7 देख रहे हैं पॉजिटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको इसको ले लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 0.6 और ये हमें मिल गया बी, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया उसी के नज़दीक वाला जी है पॉजिटिव और निगेटिव, आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं लेकिन इससे जल्दी सवाल हल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेंगे, यानी कि जे नज़दीक आ गया निगेटिव के इसके पास और जी आपका ये, तो आप ले लेंगे यहाँ से सिंपली आगे, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आप कह देंगे इटरेशन फर्स्ट, तो ए बराबर 0.6 एंड बी बराबर इक्वल टू 1, तो एक्स वन बराबर आ जाएगा ए प्लस बी बटे 2, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ गई 0.8। अब चेक करेंगे इसमें जो मेथड में मैंने बताया, चेक करेंगे वैल्यू को देख रहे हैं तो क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, देख रहे हैं जीरो से बड़ी है, और जीरो से यदि बड़ी रहती है यानी पॉजिटिव है तो यहाँ पर लगेगा जी नियम, तो यानी जी आपका 1 था और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो आपका मेथड किस किस में चालू होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा रूट्स लाई बिटवीन 0.6 यानी कि जो ए है इसके लिए और बी बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी बराबर 1 में क्या करेगा लाई करेगा ये 0.8 जो आपका ये रूट निकला जी आ गया। अब आपके ए का मान जी कार करेगा जी करेगा, फिर आप क्या करेंगे एक्स टू के लिए फिर वही फॉर्मूला इसको प्लस इसको बटे में 2, तो एक्स टू निकल आया आपका जी, ठीक है। अभी देख रहे हैं बराबर नहीं आया, यहाँ पर देख रहे हैं क्या आया 0.8 आया, यहाँ पर 0.7 आया, ठीक है। तो अभी बराबर तो है नहीं यहाँ पर, जब बराबर नहीं है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू बराबर एफ ऑफ 0.7 फिर चेक करेंगे इस पर, जब चेक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट पॉजिटिव फिर आया, पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे इस हाईएस्ट को निगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों का संबंध बना देंगे इन दोनों का, तो वहीं पे हमने किया 0.6 0.7 क्या कर देंगे ये लाई करेंगे इसके बीच में, तो यहाँ पर इटरेशन थर्ड निकाला, जब इटरेशन थर्ड यहाँ पर निकाला तो आपकी ये रहा, फिर फॉर्म लगाएंगे एक्स थ्री बराबर 0.6 0.7 डिवाइड में 2, तो आपका इटरेशन थर्ड निकल के आ गया एक्स थ्री बराबर 0। तो अब इस पर आपको फंक्शन वैल्यू चेक कीजिए, जब इसको आप फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से तो देखिएगा, तो आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स थ्री पर चेक किया तो देखा निगेटिव आ गया, और जब निगेटिव आ गया तो मैंने अभी ग्राफ में आपको बताया था यहाँ से सिंपली
क्या मैंने बताया था यहाँ पर, देखिएगा अब वैल्यू क्या आई, निगेटिव आई, तो निगेटिव आपका यहीं कहीं, तो यानी संबंध जो बनेगा यहाँ के और यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या थी, पॉइंट क्या थी, अभी आपने देखी 0.7 है ना, 0.7 और किसके बीच में रहेगी, जो आपका 0.65 के, तो वही हमने लिखा रूट्स लाई बिटवीन 0.65 एंड 0.7। अभी जी बराबर तो है नहीं है, इसी प्रकार से हमने इटरेशन 4 निकाला, जब इनको ऐड किया तो 0.675, देख रहे हैं अभी क्या बराबर है जी, अभी तो है नहीं है, तो फिर हमने आगे बढ़ा, इसको चेक किया तो देख रहे हैं पॉजिटिव फिर आ गया, जी पॉजिटिव फिर से आ गया, तो हमने कह दिया रूट्स लाई बिटवीन इनके बीच में, है ना, जब इनके बीच में, मैं आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, वैसा ही करना है, तो ट्रेशन 5 निकाला, तो जी अब मिलाओ इसमें कुछ आया, देख रहे हैं अभी एक ही पद है इसमें कॉमन हुआ, लेकिन बाद में अभी नहीं आए, तो इसमें फिर चेक किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो यानी पहले वाला लिए रहेंगे, और जो अभी जी निकाला जी, तो पहले यानी 0.65 और 0.6625, इटरेशन 6 निकाला वैसे ही फॉर्म लगा कर, ठीक है, अब इसको मैं बार बार लगा के तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो एफ ऑफ x6 बराबर फिर पॉजिटिव आ गया, सॉरी निगेटिव आ गया, फिर देख रहे हैं निगेटिव आ गया, तो यहाँ से आप फिर यानी कि जो पहला है उसको छोड़ देंगे बाद वाला, और जो अभी नया आया ये वाला, तो यानी ये और ये के बीच में रखेगा, तो x7 निकाला तो यहाँ से 0.6593, इस प्रकार से यदि आप प्रोसेस 8वीं बार करेंगे तो आपका ये जो है मैच करने लगा, तो आपको चार स्थान तक निकालना था, चार स्थान तक आपने वाई सेक्शन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, तो ये है आपका वाई सेक्शन मेथड, आप अच्छे से पहले क्वेश्चंस को लगाएंगे और अच्छे से समझेंगे क्या किया, तो फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे, और मैं वीडियो भी बहुत जल्द इसका लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था सेक्शन वाइज, यानी सेक्शन ए और बी थी, यानी दो पार्ट थे इसमें, ठीक है, सो सेक्शन तो नहीं कहेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, हमें इसमें डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस मैंने 5 लिख दिए, 5 ही पर्याप्त है क्योंकि इसमें दो पार्ट आए हुए हैं, तो सिंटेक्स इसमें हमें जो प्रदर्शित किया जाता है इसमें देखिए, व्हाइल जो है कंडीशन के साथ अप्लाई होता है, कंडीशन आप देंगे कि आई बराबर 5 6, कितनी कंडीशन दे रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग से, यानी कि व्हाइल जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ये थो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आपका, यहाँ यहाँ पर कुछ आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसमें इंक्रीमेंट लिखेंगे, जो आपके इंक्रीमेंट रहेंगे उसको लिखा जाता है काउंटर के अंतर्गत, ठीक है, फिर इसको हम बंद कर देते हैं, जो आपकी रहता है स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट आता है फिर इंक्रीमेंट आता है, तो ये होता है सिंटेक्स इस व्हाइल लूप को प्रदर्शित करने का, जबकि इसको सिंटेक्स प्रदर्शित करने का क्या होता है, डू यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए रहेगा, और यहाँ पर जी ठीक है, फिर व्हाइल कंडीशंस, तो यहाँ पर देखिए व्हाइल कंडीशन ऊपर आया, यहाँ पर बाद में आया, तो इससे आपको एक और यहाँ से मिल जाएगा, इसको जो है आप इंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, और इसको एग्जिट कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसमें देख रहे हैं कंडीशन बाद में निकल रही है ना, तो इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है, और थर्ड जो है इसमें देखिए, पहले यदि आपकी कंडीशन गलत है, यदि आपने जो कंडीशन दी है वो गलत है, तो यहीं से आपकी ये कंडीशन रुक जाएगी, यानी कार्य आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा, तो यहीं इसमें पहले क्या होता है, चेक होता है कंडीशन, व्हाइल आगे आया तो यानी चेक होगा, कि वही हमने लिखा इफ़ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फर्स्ट टाइम, यानी पहले ही समय में यदि ये सत्य नहीं है कंडीशन, देन कंट्रोलर नेवर इंटर इन लूप, देन तब जो कंट्रोलर है जो इस प्रोग्राम का, वो क्या होगा, इस लूप में प्रवेश ही नहीं करेगा, तो आपका ये इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसमें कर जाएगा, क्योंकि पहले देख रहे हैं पहले ये क्रिया होती है फिर बाद में कंडीशन लगी है, तो इस वजह से वही लिखा इफ़ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रू देन द कंट्रोल कंट्रोल विल इंटर इन लूप, यानी कंट्रोल फिर भी इसमें इंटर कर जाएगा, तो ये हमारा तीसरा हो गया, फिर द व्हाइल लूप कैन बी यूज वेन नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ नॉट एग्जैक्टली नोन एज, तो ये जो एक आपका ये है, यानी कि लूप जो होता है एग्जैक्टली नंबर इसमें यूज नहीं किए जाते, और इसमें एग्जैक्टली नंबर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम वैसा है, इसमें डू व्हाइल लूप यूज किया जाता है, इसमें व्हाइल, ठीक है, अगला पांचवा है ये व्हाइल लूप इज ए प्री टेस्ट, यानी पहले इसमें टेस्ट होता है, तो इसे हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं, इसे पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाद में टेस्ट होता है, यानी कंडीशन बाद में चेक होती है, तो इस प्रकार से ये आपका था व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में
डिफरेंस। एक और इसमें तीन लूप होते हैं आपके, एक फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप। ये तीन लूप होते हैं, तीनों अपने ही जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी बहुत जल्द हम जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बाई पार्ट में आया था उसको। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में आया हुआ था। राइट शॉर्ट नोट, हमें क्या करना है, टिप्पणी करना है इफ स्टेटमेंट एंड एल्ज स्टेटमेंट। तो हमें पहले तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इफ और इफ एल्स क्या होता है। तो ये जो होता है कंट्रोलर जो इंट्रैक्शन देने के लिए यूज किए जाते हैं, मेनली हम पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई इस प्रकार से कंट्रोल कंट्रोल लेता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, देखिएगा कैसे हमारे पास कोई फंक्शन ये इस प्रकार से कोई प्रोग्रामिंग का एक बॉडी पार्ट का है। तो ये है हमारे पास मेन है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया, ये फिर यहाँ पर बंद कर दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो लाइन वाइज होता है, सिस्टमेटिक, यानी कि पहले लाइन वन होगा, फिर लाइन टू, फिर लाइन थ्री, इस प्रकार से क्रम से होगा। यानी आप लाइन वन में लिख देंगे मनोज, फिर इसमें लिख देंगे कुमार, फिर इसमें कुछ और, तो यानी कि आपका जो रन या कहें तो आउटपुट प्राप्त होगा मनोज कुमार ETC, यानी जो भी आप लिखेंगे उस प्रकार से क्रम से आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहें, यानी कि अभी जो आपने जब इसमें इफ़ यानी कंट्रोलर का यूज नहीं कर रहे हैं तब तो आपका क्रम से आएगा, लेकिन यदि आप कंट्रोलर का यूज करना है, यानी कि यदि आपका चाहें कि पहले में मैंने लिख दिया ऐसे मनोज कुमार, इसमें लिख दिया, इसमें लिख दिया मनोज, इसमें लिख दिया कुमार, यहाँ पर लिख दिया सर, ठीक है, हमने मनोज कुमार सर जी लिख दिया। अब हम चाहें कि कुमार ना आके हमारा डायरेक्ट क्या आ जाए, मनोज सर आ जाए, तो इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए हमें स्टेटमेंट यानी कंट्रोलर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। कैसे समझ लो एक बार फिर से, यानी कि यदि हमें सपोज कह देना कि यदि हमें लाइन टू को यूज करना लिखा तो जाता है, लेकिन उसका यूज उसमें आउटपुट में प्राप्त ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे कंट्रोलर इंट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। चार प्रकार के हो, डिसीजन कंट्रोलर इंट्रक्शन और इटरेटिव कंट्रोलर इंट्रक्शन, स्विच केस कंट्रोलर इंट्रक्शन और गो टू कंट्रोलर एक्शन। तो इस प्रकार ये चार होते हैं, चारों के प्रकार होते हैं। फिर से डिसीजन कंट्रोल इंट्रक्शन जो होते हैं ये होते हैं तीन प्रकार के जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इफ इफ एल्स और एक होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स तो इसमें आया नहीं है, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे अच्छे से, देखिए लाइक मोस्ट लैंग्वेज सी, यानी कि ये जो है सी लैंग्वेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूज द कीवर्ड इफ़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंट्रैक्शन, यानी डिसीजन लेने की जो कंट्रोल इंट्रैक्शन है सी लैंग्वेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। ये कीवर्ड है आपका इफ़, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ द इफ़, ये आपका जनरल फॉर्म है इफ़, इस प्रकार से डिनोट करती है। इसकी बॉडी कहाँ है तो इस प्रकार से रहती है, यहाँ से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा जी, ठीक है, तो हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल। अभी इसमें हमने स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, अभी पहले लिखा है हमने, हमने लिखा है मैन, जी आपका जी है मैन, इसको प्रोग्राम हमने एक अच्छा सा लिखा है। क्लेशर ये बॉडी ये रहता है, फिर ये प्रिंट एफ हेलो और प्रिंट एफ वाई, यानी कि जब इसका आउटपुट निकलेगा तो हेलो वाई आएगा। यदि अब मैं लिख दूँ इसमें कोई सा भी नाम लिख दे, राम सीता, तो इसमें राम लिख दूँ, इसमें सीता लिख दूँ, तो यानी राम सीता आएगा आपका आउटपुट। लेकिन यदि आप चाहें, आप सोचें कि हमें ओनली राम लाना है, यहाँ पर सीधा तो लिखा रहा है लेकिन हमें ओनली राम लाना है, तो इसके लिए जो है आप इफ़ या एल्स का उपयोग करती हैं। जो इफ़ और इफ़ एल्स होता है ये जो है लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, देखेंगे हम कैसे, वो आप एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यूज करेंगे इफ़ स्टेटमेंट दिस एग्जाम्पल, इसमें हम यूज करेंगे तो हम कह देंगे मैन, तो पहले मैन, फिर जो आपका ये रहता है इसको, और हमेशा ध्यान रखना है जी, मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखा, कभी भी कोई सा भी प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में लिखें तो भी यहाँ का यहाँ ना करें, आप पूरा फुल पेज में बनाएं, स्पष्ट बनाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर लिख देंगे यहाँ तो ये देख रहे हैं एग्जामिनर देखेगा तो गलत समझेगा, कहेगा कि वो यहाँ से यहाँ कैसे आ गया प्रोग्राम, यानी कि ये जो आएगा वो यहीं से क्रम से यहीं पर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि मैन ये, फिर ये क्लेसर, और यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो, फिर अब हमने एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी इफ़ स्टेटमेंट,
और हमेशा ध्यान रखना इफ स्टेटमेंट के बाद कभी भी सेमी कॉलन लगाना नहीं, क्योंकि आपका यहाँ से पूरा मिलकर ही पूरा स्टेटमेंट इफ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा। तो हमने कंडीशन दे दी 5 > 6। आप जानते हैं ये कंडीशन गलत है, जब कंडीशन गलत है तो जाहिर सी बात है इसका जो है प्रिंट एफ निकलेगा ही नहीं, खाली क्या निकलेगा, हेलो निकलेगा। क्या निकलेगा इसका आउटपुट, हेलो निकलेगा। फिर आप इसको यहाँ से आपने ओपन किया था इफ को और यहाँ पर आपने बंद कर दिया, इसके नीचे करेंगे हमने यहाँ पर जानबूझ कर लिख दिया ताकि आपको बता सकें, ठीक है। फिर गेज कर देंगे जो आप निकल जाएंगे आप आउटपुट के रूप में, फिर आप इसको बंद कर देंगे। ये रहता है यानी कि यहाँ से आप देखें 5 देख कंडीशन गलत होगी तो यानी कि आप कंप्यूटर जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको हेलो ही आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट कार्य करता है। और यदि आप देखें इसी में जस्ट यदि आप सही कंडीशन दे देते, यानी कि जो 5 < 5 > 6 लिखा, यदि आप 5 < 6 कह देते और तब अप्लाई करते, तब ये देख रहे कंडीशन सही है, जब कंडीशन सही है तब इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा आपको हेलो वाई प्राप्त होगा। यानी समझ गए आप, बस ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो इफ एल्स का आप समझ गए हो, आप लैंग्वेज इतनी लिख गई और इसका आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जी गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट जो स्टेप है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिएगा इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इसकी जो बॉडी होती है ये होती है, इसका जो डेफिनेशन ये है, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन इज टू बी एक्सिक्यूट डिफेंडिंग। यानी कि आपका ये जो डिफरेंट सीक्वेंस रहता है उसको क्या करना है, एक इंट्रेक्शन देने के लिए इसका यूज किया जाता है ऑन द लॉजिकली वैल्यू जो सत्य है या गलत है। यदि सत्य है तो वो प्रिंट हो जाएगा, यदि असत्य है तो प्रिंट नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये रहता है इसका स्टेटमेंट, इस प्रकार से लिखा जाता है। इफ लगाएंगे फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और फिर यहाँ कंडीशन लिखने के पश्चात यहाँ पर एल्स लगाते हैं। और देखिएगा इससे जो इफ यहाँ पर इफ के लिए भी आप जो है यूज करके दो कंडीशन बना सकते हैं और एल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पेज को यहाँ छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं आता, मैं जो एग्जाम्पल देना, यानी कि आपको क्या करना है पहले से जगह समझ कर कि समझ लीजिएगा, आइडिया लगा लीजिएगा, तेम सवाल जो प्रोग्राम है आ जाएगा, तब आप जो है उसी के अनुसार जगह को कवर करें, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसका लास्ट सॉल्यूशन जो था, पहले समझ लेते हैं हम प्रोग्राम किसके लिए कर रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक वेदर वाइटर ए नंबर ए पॉजिटिव अथवा नॉट। तो यानी कि हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो कि चेक करेगा कि वो पॉजिटिव नंबर है अथवा निगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, 4 जे लगाया, जे लगाया हमने यहाँ पर, इंट एक्स, क्या लगाया, इंट एक्स, इंट मतलब इंटीजर एक्स जो अभी हमने बताया था, प्लेसर जे। अब इंट हमने क्यों लिया, इसमें कीवर्ड का यूज किया, क्योंकि हमें इंटीजर की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तभी तो हम इसमें दिखा सकते हैं, तो इसलिए इंटीजर एक्स सेमी कॉलन, फिर क्लेसर जी आपका, ये भी आपकी कीवर्ड होती है, तो यहाँ से हमने ये लगाया। किसी भी गणना करने के लिए आपको क्लेसर की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रिंट ऐप कराएंगे आप, यहाँ पर कोई सी भी नंबर टाइप करेंगे और फिर स्कैन ऐप, उसको स्कैन कराएंगे। स्कैन कराने के लिए कीवर्ड आप जानते हैं इस प्रकार से डिफाइंड होती है, इंटीजर के साथ दिया जाता है, ठीक है। फिर इफ यदि, अब यहाँ से आप कंडीशन देंगे यदि एक्स का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ पर तुरंत सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, मैंने बताया इफ के तुरंत बाद ये नहीं लगाया जाता, पूरा है ये कहलाता है स्टेटमेंट इफ। तो यहाँ प्रिंट एफ पॉजिटिव होगी, क्योंकि यदि जैसी आप जानते हैं कि ये कंडीशन सत्य है तो पॉजिटिव होगी, एल्स अन्यथा, एल्स आप लगाएंगे यहाँ से इसको खोल करेंगे, प्रिंट एफ यदि सत्य नहीं है, यानी यदि आप सत्य नहीं है ये कंडीशन देन तब हमें नॉन पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से गेज कर देंगे, यहाँ से आपका ये सिंपली आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, यदि ये सत्य है तो पॉजिटिव पन मिलेगी, इसमें एक ही कंडीशन दी जाती है। और यदि आप जो है इसी प्रोग्राम को इफ इफ है इफ यहाँ पर इफ यहाँ पर यूज करना चाहते थे तो यहाँ पर तो ये बन गया आपके यहाँ था, और यहाँ पर इफ यदि यूज करते आप इफ है, और यहाँ पर आप कंडीशन देना पड़ती है आपको, जैसे यहाँ पर दी ना वैसे यहाँ पर x < 0 और फिर आपका आ जाता है यहाँ से जो खोलते यहाँ से ये और प्रिंट एफ यहाँ पर डॉट नॉन नेगेटिव, तो इस प्रकार से आता है। तो यानी कि सीधी सी बात है इफ जो है एक स्टेप कम करने के लिए जो है एल्स का प्रयोग हो जाता है कंप्यूटर, तो काफ़ी सुविधा हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमने एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जो हमने व्यू झांसी 2019 का सॉल्यूशन पेपर कराया है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि ऐसा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि 2019 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि आप काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि व्यू झांसी की बुक में भी नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं उसमें बोला गया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें मिल ही नहीं गए हैं, है ना। तो इस वजह से जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप दोस्तों में अच्छे से शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि मदद करेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा, है ना। फिर मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।